हाँ तो मेरे प्यारे शहरवासियों, मुझे आप लोगों की हमेशा चिंता रहती है। सिर्फ भाई तुझे ही नहीं डोनी, हम सबको रहती है। बिल्कुल सही कहा। तो हम सभी ने एक फैसला लिया कि हम अपने प्यारे शहरवासियों को हेल्दी और ताकतवर बनाने के लिए यहाँ पर एक ऐसा बनाना बनाएंगे जो यहाँ पर खुद जायंट होने के साथ साथ तुम सभी लोगों को भी जायंट कर देगा। बिल्कुल सही कहा हल, तभी तो इतना हट्टा कट्टा है। गाइस देखिए, ये बनाना कुछ इस तरह का है कि आप इसको जितना खाओगे इतने ही बड़े और ताकतवर होते जाओगे। अरे वाह भाई वाह, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो अरे हम तो फिर इसको खाएंगे, कितने पैसे लगेंगे? अरे कैसी बातें कर रहे हैं, एकदम फ्री है, एकदम फ्री। ये हमारी समाज सेवा है आपके लिए। प्लीज आइए, एक एक करके केला खाइए जितना मन करे, और अपने आप को ताकतवर और तंदुरुस्त बनाइए। बिल्कुल सही कहा, आ जाओ दोस्तों। अरे इसकी बॉडी केला तो बहुत अच्छा है। एक मिनट, ओ भाई साहब, अरे नहीं, इस केले में तो कीड़े हैं। अरे गाइस, ये केले का कीड़ा नहीं भाई, इसके बड़ी है। बिल्कुल इसके बड़ी। तो मैंने सुना इस केले को जितना खाओ इतने ताकतवर बनोगे। वाह, मैं ताकतवर हो गया लेकिन साइज नहीं बढ़ा। ओ भाई साहब, सही से केला खाएगा तभी तो साइज बढ़ेगा। अबे फ्रैंकलिन उसको क्यों बता रहा है भाई, वो अपना साइज बढ़ा लेगा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। और उसके बड़े जल्दी चलो, बॉस ने हमें यहीं बुलाया है। आ जाओ और इसकी बड़ी, यहाँ पर कोई भी ह्यूमन इस केले को ना खा पाए। इस केले को खाओ, इसके बाद इसको डिस्ट्रॉय कर दो। बिल्कुल इसकी बड़ी, हम सबको मार देंगे बॉस। आप केला खाइए और अपने आप को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त बनाइए। ओ भाई साहब, ये इसकी बड़ी तो कार लेके आ गए। अबे जल्दी से यहाँ पर आयरन मैन का सूट बुलाओ, थोर अपने हथौड़े से इनकी बैंड बजा। उड़ी कसम, पहले उठ तो जाओ और चलो इसकी मड़ी यहाँ पर जल्दी से इस केले को खाते हैं और खुद को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त बनाते हैं। ओ इसके बड़ी, सबसे पहले मैं खाऊंगा इस केले को, चलो जल्दी। नम 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 नम। ओ भाई साहब, उसका साइज मीटर बड़ा है। नहीं गाइस, आप जल्दी प्लीज वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब। अगर वो केले को खाता इसी तरह से तो वो दुनिया का सबसे बड़ा टाइटन गॉड इसके बड़ी टॉयलेट मॉन्स्टर बन जाएगा। अबे फ्रैंकलिन, ये क्या हो गया यार? नहीं, ये तो ऑल फादर इसके बड़ी टॉयलेट गॉड बन गया। वाह इसके बड़े, मैं तो काफी ज्यादा चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त बन गया। इस सभी का क्रेडिट इन प्यारे एवेंजर्स को जाता है, इसलिए अब मैं हमेशा तुम लोगों को अपना गुलाम बना के रखूंगा। क्या हमने हमारी वजह से तू इतना पावरफुल हो गया और अब भाई हमको गुलाम बनाने बात कर रहा है? अबे फ्रैंकलिन, तेरे को गुलाम क्यों बनाऊंगा, तेरा बस की कुछ नहीं है। ये ला, तुझे तो जान से मारूंगा, बाकी एवेंजर्स को साथ ले जाऊंगा। हल्को मारा। अरे बाप रे, गाइस भागो यहां से, भागो। अरे नहीं, हम तो मर गए, ये क्या हो गया? अबे जब भी मैं सवाब सेवा करने की कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ मुसीबत आई जाती है। बिल्कुल सही कहा यार, यहाँ पर ये क्या हो गया, अब हमें कौन बचाएगा? ओह नो, काश वो बनाना सबसे पहले मैंने खाया होता और मैं दुनिया का सबसे शूरवीर ताकतवर योद्धा बन जाता, उसके बाद इसके बड़ी टॉयलेट कोर्ट को एक मुक्के में बैंड बजाता। ओए क्या हो गया ये हमारे साथ? ओह नो दोस्तों, मुझे देखना होगा जितने भी लोग यहाँ पे इस खतरनाक अटैक में सर्वाइव कर पाए उन सबको हॉस्पिटल पहुंचाना होगा, सबकी मदद करनी होगी। आप लोग प्लीज जल्दी वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब। कौन हमारी मदद करेगा? कोई सुपर हीरो तक नहीं बचा भाई, सबके सब यहाँ पे मर चुके हैं। हल्क मेरे भाई, उठ जा, हल्की हालत उठने लायक नहीं, मरने लायक है। एक मिनट, ये कौन है? मेरा नाम है बनाना मैन। फ्रैंकलिन मेरे साथ चल, यहाँ पर हमें जाना होगा। अब इसके बड़े ये बनाना जिंदा कैसे हो गया? अब इसको पकड़ो, हमने सोचा बनाना हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। ओ भाई साहब, बनाना मैन, ये क्या है और ये कैसे पॉसिबल है भाई? फ्रैंकलिन सब कुछ पॉसिबल है, तुझे बाद में अच्छे से समझाऊंगा, पहले हम यहाँ से निकलते हैं। ओ माय गॉड, टोनी ने मुझे नहीं बताया कि उसने चलता फिरता बनाना बनाया है। टोनी ने मुझे इसी तरह से बनाया था, अगर आने वाले समय में कोई फ्यूचर दिक्कत आती या परेशानी आती तो मुझे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि मैं यहाँ पर जीवित इंसान में बदल जाऊं और मैं बनाना मैन बन जाऊं। ओ भाई साहब, अपना बनाना अब हमसे बातें कर सकता है, क्या बात है! मुझे बनाया तो दुनिया के भले के लिए गया था लेकिन मेरी वजह से ही सब बुराई फैली है, मुझे माफ कर दे मेरे भाई। इसमें तेरी गलती नहीं है बनाना मैन, पता नहीं वो इसके बड़े के बच्चे कैसे हमारे हर प्लान को सुन लेते हैं और उसको खराब करने के लिए आ जाते हैं। अब मेरी बात सुन के यहां पर तो दुनिया का सबसे बड़ा गॉड बनाना मैन बन सकता है, ये मेरी खूबी में या फिर कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तू कुछ भी कर सकता है फ्रैंकलिन, तूने ना जाने कितनी बार लोगों की मदद की है। ये बात तो सही कही, तो मैं तुझे यहां पर एक छोटा सा बनाना खिलाने जा रहा हूं। व्हाट? लेकिन क्यों? जिससे कि तू यहां पर एक बनाना बेबी बन जाए। बनाना बेबी? अरे भाई बनाना है तो बनाना गॉड बना, बनाना बेबी क्यों बना रहा है? क्योंकि मेरे पास अभी छोटा सा ही बनाना है, अगर मैं तुझे अपना बनाना खिलाया तो यहां पर तू मर भी सकता है, क्योंकि इसके बड़े के खाने के बाद मेरा बनाना जहरीला हो गया है।
भाई साहब फिर तो मैं बनाना बेबी ठीक हूँ। ओ माय गॉड, मैं तो डायपर पहनने वाला बनाना बेबी बन गया। फ्रैंकलिन चिंता मत कर, दुनिया में बड़े बड़े बनाना ढूंढ और मेरे को पास ला के दे, मैं उसके लिए तुझे यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा गॉड बनाना मैन बनाऊंगा, उसके बाद तू यहाँ पर दुनिया को बचा पाएगा। क्या मैं अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ? बिल्कुल, तू यहाँ पर बनाना लेजर अटैक, बनाना टेक्निकल अटैक और बनाना इनविजिबल अटैक कर सकता है। ओ शायद मुझे उनके लिए सीखना पड़ेगा। खैर गाइस जल्दी जाते हैं और जाकर कोई शॉप पे से, फल वाली दुकान पे से बड़ा वाला बनाना ढूंढते हैं। एक मिनट पहले चेक कर लेता हूँ न्यूज़ व्यूज़ क्या चल रही है, क्या पता कुछ काम का हो। ब्रेकिंग न्यूज़, हमारे शहर में लोग पिज्जा बर्गर बहुत खाते हैं। पिज्जा मैन को स्किबिडीज ने पकड़ लिया है, वो उसकी ईविल बना रहे हैं। एक बार पिज्जा मैन ईविल बना तो दुनिया में खाने वाला हर शख्स पिज्जा बन जाएगा ईविल, इसलिए पिज्जा मैन को बचाओ। ओ भाई साहब, अगर पिज्जा मैन ईविल बन गया तो इस दुनिया में जितने भी लोग पिज्जा खाते हैं, गाइस आई थिंक आप भी खाते होंगे पिज्जा, तो जल्दी से कमेंट में यस या फिर नो लिख के बताइए जल्दी से, तो हमें गाइस पिज्जा मैन को बचाना होगा। अगर पिज्जा मैन को कुछ भी हो तो भाई पूरी दुनिया ईविल बन जाएगी पिज्जा खाने वाली। आरास की बॉडी, इसकी बॉडी, तू हमारी बरादरी में शामिल हो जा। अब नहीं, मैं तुम्हारी बरादरी में शामिल नहीं होऊंगा, चाहे मेरे साथ कुछ भी कर लो। ठीक है, इसके बड़े इसको जबरदस्ती यहाँ पे ईविल बनाओ। अभी पता था इनको, मेरे भाई बना मैंने बताया था कि मैं यहाँ पर लेजर अटैक कर सकता हूँ, बट क्यों ना मैं यहाँ पे बनाना ब्लास्ट अटैक करके देखूंगा। इस कैसा पॉसिबल है, एक काम करते हैं कि पाजे खड़े होते हैं और यहाँ पर बनाना ब्लास्ट अटैक। ओ भाई साहब, वाह, बनाना ब्लास्ट अटैक है। मैं अपने बनानों को इतनी तेजी से इन दोनों के पीछे, लोगों के पीछे फेंक रहा हूँ जैसे कि एक तरह से भाई पूरा पूरा बॉम्ब हो। आरास की बड़ी इसके बड़े हालत खराब। ओ भाई पिज्जा मैन, तू ठीक तो है? तू कौन है? अब तुझे मेरा खाने का मन कर रहा है? ओ नहीं 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 भाई, मैं जीता जागता बनाना हूँ और मुझे अभी पूरी दुनिया को बचाना है। बड़ा मजा, मैं जा रहा हूँ सिन चैंपियनशिप चौक को मारने। एक मिनट, ये कैसी बातें कर रहा है तू पिज्जा मैन? मेरे को यही ऑर्डर आ रहा है, जो ऑर्डर आएंगे मैं उसके हिसाब से काम करूंगा, मैं अपने स्पीड गॉड के लिए कुछ भी करूंगा। नहीं, मुझे लगा मैंने पिज्जा मैन को सही टाइम पे बचा लिया, बट ये ऑलरेडी ईविल बन चुका है यार, और ये मेरे सिंचा मिंचा चॉप को मारने जा रहा है। चल निकल यहाँ से, बेकार केला कहीं का। अरे बाप रे भाई, कुचल दिया मुझे केले की तरह, वैसे मैं केला ही तो हूँ। निकल जा यहाँ से, वरना तेरे को छील के खा जाऊंगा केला कहीं का। ओ भाई साहब, क्या पीट के गया वो मेरे को। गाइस अगर मैं अभी जायंट बनाना मैन होता ना तो एक मुक्के में उसकी बैंड बजा लेता। खैर जल्दी चाहते हैं, मुझे किसी फल की शॉप के पास जाना ही पड़ेगा जैसे कि मेरे को बड़ा वाला बनाना मिल जाए। आ जाओ मेरे गुरुदार, केले खाओ, फल खाओ, मोटे हो जाओ, ताजा हो जाओ। गाइस इन अंकल के पास यहाँ पर एक केला है। अरे ये क्या हो रहा है जादूगिरी मेरी दुकान के पास? अरे मेरा केला ले गया रे। अरे अरे भाई चिंता मत कर, पैसे वापस कर दूंगा। बाकी देखिए गाइस, मैं अभी बनाना मैन बन गया हूँ, कब तक बनाना बेबी बन के घूमता भाई। चलो भाई जल्दी चलते हैं और जाकर सिंचा मिंचा चौप को रोकते हैं। ओके, मैं बहुत तेजी में आया और मैं पिज्जा मैन के पास आ गया हूँ। अब तू इतना बड़ा कैसे हो गया? मेरी मार खाते खाते बड़ा हो गया क्या? हाँ कुछ ऐसा ही समझ। अभी गाइस मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी फलों की दुकान लगाने वाला हूँ, सुपर फ्रूट ट्रैप अटैक। भाई साहब मैंने फ्रूट से ट्रैप कर दिया इसको पूरी तरह से। अब यह क्या कर दिया तूने? मेरे को बाहर जाने दे वरना अपने पिज्जे से तेरे को लेजर अटैक से मार दूंगा। इससे पहले कि गाइस सच में अपने पिज्जा लेटर अटैक करे, मैं यहाँ पर अपना बनाना पंच अटैक करता हूँ और इसके पिज्जे को ठीक ठाक कर देता हूँ। ये सुपर बनाना पंच अटैक। और भाई साहब मेरे को लगता है इसकी बॉडी के अंदर कुछ तो ऐसा केमिकल या कोई ऑब्जेक्ट डाला गया है जिस वजह से इसके माइंड को कंट्रोल किया जा रहा है। एक मिनट, इसके बॉडी के अंदर से एक स्पीकर निकला, आई थिंक इसी के थ्रू इसको यहाँ पर साउंड्स आ रहे थे कि किसको मारना है किसको नहीं। और अब जबकि ये स्पीकर बाहर निकल गया, फ्रैंकलिन मेरे भाई तेरा बहुत शुक्रिया, तूने मुझे बचा लिया। मेरी बात सुन, अगर तेरे को दुनिया का सबसे बड़ा बनाना मैन मिलना है तो जल्दी स्टार्क मैंसन जा, वहाँ की जमीन खोद। ऑलराइट, तो गाइस हम स्टार्क मैंसन आ चुके हैं, क्योंकि मुझे पिज्जा मैन ने बताया कि स्टार्क मैंसन के बाहर वाले ग्राउंड के जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा बनाना है और वो मुझे यहाँ पर वेरी जायंट, मेरे बॉस से भी बड़ा बनाना मैन बना देगा। तो चलो यहाँ पर जल्दी से जमीन खोदना शुरू करते हैं। भाई सब बहुत मेहनत लग रही है। कमॉन कमॉन कमॉन, खुल जा सिम सिम, कमॉन कमॉन, वन टू और आरोस के बड़े इसके बड़ी। इतनी आसानी से नहीं, अरे वो बनाना हमको चाहिए, हम अपने बॉस से भी बड़े होके अपने बॉस को ही अपना चेला बनाएंगे। ओ भाई साहब ये, अरे भैया मैं इतने टाइम से यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ और तू कितनी बुरी तरह से मेरे को बेइज्जती करके पीटे जा रहा है। इसके बड़े, अब केले में बिल्कुल टेस्ट नहीं है, फीका केला है तू, फीका केला। अब तुझे देख लूंगा मैं। भाई एक काम करते हैं, इसको उस बनाने को निकालने देते हैं। एक बार बनाना बाहर निकला, हम अपने सुपर अटैचमेंट मोड से उस बनाना को अपने हेड पर अटैच करके जायंट बनाना मैन बन जाएंगे, फिर इसके बड़ी के अच्छे से बैठ जाएंगे। इसके बड़ी, बस केला निकलने ही वाला है। क्या लगता है गाइस कितना बड़ा होगा? भैया ये तो
ये तो रियल वाला जो बनाना है, मतलब मेरे बॉस का बनाना, उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा है। अब तो गाइस इस बनाने को मुझे लेने से कोई नहीं रोक सकता। चलो इसके बड़े ये बनाना खाता हूँ, पहले हाथ धो के आ जाता हूँ वरना गंदा हो जाएगा बनाना। वाह काफी संस्कारी इसके बड़ी है यार ये तो। खैर ये ले और उसके बड़ी मार दिया, शुक्रिया वैसे मदद करने के लिए। ऑलराइट गाइस अब एक काम करते हैं, जल्दी से यहाँ पर इसको अपने हेड पे लगाते हैं और देखते हैं हम अब कितने बड़े वाले गोल्डन बनाना मैन बनने वाला है। तो सही साथ में गिनते हैं 1, 2 और 3। ओके भाई साहब मैं तो स्टॉक में से फिट ही नहीं आ रहा हूँ, इतना बड़ा हो गया हूँ यार। खैर अब जल्दी से अब जाते हैं और जाकर अपने प्यारे अवेंजर्स को बचाते हैं, क्योंकि गाइस अवेंजर्स को एक बार मैंने बचा लिया उसके बाद बस मुझे इसके बड़ी को हराना रह गया होगा। तो चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। एक मिनट ये क्या हो रहा है भाई साहब? और इसके बड़े मैंने सुना है यहाँ पर बनाना मैन मेरी आर्मी को तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, तो अवेंजर्स इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, पल पल मिलेगी। ये ऑल फादर इसके बड़े टॉयलेट गॉड का बच्चा यहाँ पर मेरे सारे अवेंजर्स को तबाह कर रहा है। आ रहा है इसकी बड़ी बिल्कुल बॉस बिल्कुल, मैं तो बोलता हूँ इनमें से एक दो को खा जाते हैं। अब मार तो दिया, क्या खाओगे? हमारा स्पाइडी और थॉर नहीं बचा। ओए मैं तो जिंदा हूँ, डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं बचा। गाइस अब मैं सुपर टेलीकिनेसिस से एक बड़ा सा यहाँ पर केला मतलब बनाना स्पॉन करने वाला हूँ। 1, 2, 3 भाई साहब केला आ चुका है। अब मैं यहाँ पर अपने बनाना लेजर एक्टिवेशन मोड को ऑन करने वाला हूँ, बनाना लेजर सुपर अटैक। और उसके बाद इसकी बड़ी आंखें फूट गई हमारी। और उसके बड़ी ये क्या हो रहा है, हम पे बनाना अटैक कर रहा है? एक मिनट ये तो बनाना मैन है शायद, बनाना मैन तुमको बचा के रहेगा। अरे मैं तुम्हारा फ्रेंकली बनाना मैन हूँ। इसके बड़े तो ये हो रहा है, अच्छा मेरी आर्मी को ये बनाना मैन वाइप आउट कर रहा है। अब मैं इस बनाना मैन को ही कच्चा चबा जाऊंगा, खा जाऊंगा सुपर बनाना लेजर। अभी बताता हूँ तेरे को इसके बड़े तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं तेरा बहुत कुछ कर लूंगा इसके बड़े। एक पंच में तेरे को चांद पे भेज दूंगा। अच्छा अच्छा चांद पे, ये कैसे पॉसिबल है बताता हूँ। सुपर इसके बड़े पंच लेजर अटैक। ओ भाई साहब ये क्या कर दिया इसने, इसके बड़े कैसा लगा? ओ भाई साहब मैं तो सच में चांद पे आ गया, मेरी प्यारी धरती मुझसे इतनी दूर है। एक मिनट है, चांद पे केला न्यम न्यम न्यम, बनाना खाएंगे और मजा आ जाएगा। यहाँ तो लगता है गाइस कुछ एलियंस रहते हैं भाई, वो भी बनाना खाते हैं। वाह यार वैसे गाइस अगर आप बनाना खाते हैं तो जल्दी कमेंट में यस लिखिए या फिर नो लिखिए। वैसे आपको बनाना पसंद है या फिर नहीं, ये भी यस या फिर नो लिख के बताइए जल्दी से। बाकी ओ भाई साहब ये क्या, अबे ओए तू कौन है, चल निकल यहां से, ओए ये बनाना हमारा है। गाइस ये तो लिटरली में सच वाले एलियंस हैं, और इनके पास यार हाईटेक वेपन्स भी है, गन्स भी है, यार क्या बात है। वैसे मुझे देख के खुशी लग रही है कि एलियन से मेरी मुलाकात हो रही है, बट यार इतने गलत समय पे हो रही है वो बात सही नहीं है। सॉरी गाइस मुझे माफ करना, वो बनाना मुझे चाहिए। अब बकवास बंद कर, वो दुनिया ही नहीं पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा बनाना है, वो हमारा है और हमारा ही रहेगा। लेकिन वो मेरे पेट में जाके रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये ले, अरे बाप रे गाइस सुपर बनाना जैक। ओ भाई साहब क्या लेजर अटैक है, चांद पे इतना अंधेरा रहता है और मेरी लेजर ने भाई उजाला कर दिया, ऐसा लगता है दिन निकाल दिया लिटरली में। आ रहा इसकी बड़ी क्या मारा है हमको, इनमें से कोई स्किबड़ी भी था क्या? भाई साहब मुझे तो समझ ही नहीं आया। खैर छोड़ो, मैं यहाँ पर जल्दी से उस बनाना को अपने हेड पर अटैच कर लेता हूँ और दुनिया का सबसे बड़ा टाइटन गॉड बनाना मैन बन जाता हूँ। 1, 2 और 3 भाई साहब अभी हम बन गए टाइटन गॉड बनाना मैन। और दोस्तों अब आप देखने वाले हैं बनाना की बारिश, मतलब गाइस ही देखिए। और इसके बड़े इतने सारे बनाना, अब किस-किस को खाऊं, किसको संभालूं? और सुपर बनाना एक्सप्लोजन रेन अटैक। भाई साहब गाइस फाइनली हमने ऑल फादर इसके बड़ी को इसी के अटैक से मार दिया, जिसने बनाना खा के अपनी सेहत बनाई और अब इसकी बैंड बच गई। बिल्कुल सही कहा भाई, हद से ज्यादा चीज कोई भी हो वो हमें नुकसान देती है। बिल्कुल सही कहा गाइस, अगर आपको इस तरह के वीडियो और देखने तो बताइए कमेंट में नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए, और स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लो। थैंक यू सो मच।